भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए जी। और तिवारी जी कहिए कैसे हैं आप? भभूति जी घर पर नहीं है? हाँ विभू कहीं बाहर गया है। फिर ठीक है जी, जी हमारा मतलब है भाभी जी कि हम आपसे अकेले में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे अकेले में? वो क्या है ना भाभी जी, देखिए बुरा मत मानिएगा, क्या है कि हमें भभूति जी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कि वो हमें ट्रेनिंग दे भी पाएंगे या नहीं। तिवारी जी आप क्या कह रहे हैं, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? अरे विभू एक बहुत ही बढ़िया हॉकी प्लेयर था अपने स्कूल के जमाने में। भाभी जी आपने उन्हें देखा है कभी हॉकी खेलते हुए? नहीं मतलब मैंने नहीं देखा, लेकिन विभू ने मुझे बताया है और मुझे पता है कि वो सच बोल रहा है, मुझे पूरा यकीन है। भाभी जी वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या कभी उनकी बात सच हुई है? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या है भाभी जी कि हम एक बहुत ही उम्दा कोच को साथ लेकर आए हैं जिसने बहुत सारे खिलाड़ियों को ट्रेंड किया है, वो हमें हॉकी की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ तो आए हैं क्या आपके साथ, मिलवाइए उनसे। जी बाहर है, बुलाता हूँ। ज्ञानजन जी जरा अंदर आइए। अरे आइए। नमस्कार। बैठिए प्लीज, बैठिए जी। भाभी जी ये है ज्ञानचंद जी जो कि एक बहुत ही उम्दा कोच हैं, इन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को ट्रेंड किया है जो आज बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर हैं। और ज्ञानचंद जी ये हमारी हॉकी टीम की कप्तान हैं अनीता भाभी जी। नहीं एक्चुअली मैं बस कोशिश कर रही हूँ, मुझे कुछ एक्चुअली आता नहीं है। वैसे ज्ञानचंद जी अगर आप हमें हॉकी की ट्रेनिंग देंगे तो फिर कैसे सिखाएंगे? नहाना है तो समंदर में आओ, किनारों में क्या रखा है? प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है? भाभी जी भभूति जी ठीक हैं, आइए। कैप्टन मस्त है लेकिन कैप्टन मस्त है। अरे मस्त है। किस अजीब आदमी को पकड़ के लिए है तिवारी जी? ओह गॉड, पागल है क्या? ओह नो, मैं सो गया। अरे ये इतनी रात को कौन आ गया? कौन है? तिवारी जी क्या करते हैं आप, आपने मुझे डरा दिया। सॉरी भाभी जी, हम माफी चाहेंगे, इतनी रात को हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तिवारी जी आपने इतनी रात में मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? क्योंकि भाभी जी भभूति जी हमारे बेडरूम में घुसकर हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। विभू आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? जी हाँ भाभी जी, अब बताइए इतनी रात को हमारे बेडरूम में घुसकर अंगूरी को हॉकी सिखा रहे हैं और हमें बाहर भागने के लिए भेज दिया है, देखिए। और आप कह रहे हैं कि विभू आपको डिस्टर्ब कर रहा है? जी भाभी जी, अब इतनी रात को नींद हराम होगी तो... आपको अपनी नींद की पड़ी है? वो अंगूरी जी को लेकर इतनी टेंशन में था कि रात की परवाह न करते हुए आपके घर में उन्हें हॉकी सिखाने गया है और आपको अपनी नींद की पड़ी हुई है। आई एम सॉरी भाभी जी। तिवारी जी आपकी सॉरी से क्या फायदा, आपको अंदाजा भी है कि आपके कोच के दिल की फीलिंग्स क्या है। क्या करें भाभी जी, अब इस टाइप का कोच हमने पहले कभी देखा नहीं ना। हाँ आपने इससे पहले कभी कोई गेम भी तो नहीं खेला होगा। खेला ना भाभी जी, जुआ सट्टा मटका। अरे यार क्या बोल गए। भाभी जी आप हमारे साथ सट्टा खेल मतलब हॉकी खेलेंगी? आइए चलिए। यस गोल गोल गोल, वाओ यार, अगर मैं लड़कों की टीम के खिलाफ ऐसे गोल कर दूं तो बिल्कुल मजा आ जाए। एक बार और ट्राई करती हूँ।
भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी, सॉरी सॉरी तिवारी जी, तिवारी जी बहुत जोर से लग गई क्या? नहीं नहीं भाभी जी, जोर से क्या लगी, बहुत ही उम्दा शॉट था। तिवारी जी मैं बड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ जी, कुछ ज्यादा ही कर रही है। थैंक यू तिवारी जी। और बताइए तिवारी जी, कैसे हैं आप? आप खुद ही देख लीजिए भाभी जी, आपके कोच ने हमारी क्या हालत बना दी है। क्या हालत बना दी है? देखिए ना भाभी जी, ना कुछ खाने दे रहे हैं, ना पीने दे रहे हैं, सब कुछ बंद कर दिया है। भाई हम तो बस माफी चाहेंगे भाभी जी। नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप टीम छोड़ना चाहते हैं? अरे नहीं भाभी जी, हम तो आपके लिए मतलब आपकी टीम के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं भाभी जी, लेकिन ये कोच से ट्रेनिंग नहीं ले सकते। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप बिना कोच के खेलेंगे? नहीं भाभी जी, हमने एक अच्छे से कोच का इंतजाम किया है, जिसने बहुत सारी टीम्स को जिताया है। अच्छा जी, कहाँ है आपका कोच? जी वो बाहर खड़े हैं। महिला गिरजा ना, जरा यहाँ आना। महिला है कोई? नहीं पुरुष है, नाम महिला है। ओ आइए। हेलो, बैठी बैठी, आइए महिला जी। भाभी जी ये महिला है। हेलो। ये हमारी टीम की कैप्टन है भाभी जी। तो मिस्टर महिला, आप अपने कोचिंग के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। मैंने आज तक जिस भी टीम की कोचिंग की है, और जब तक उस टीम में कोच रहा हूँ तब तक मेरी टीम हारी नहीं है। वेरी नाइस। और बताइए, आप जब कोचिंग करते हैं तो आप किस बात का विशेष ध्यान रखते हैं? मैं माइंड गेम पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने सारे प्लेयर्स को कहता हूँ कि सामने वाले प्लेयर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करो, ताकि पता चले कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। That's very good actually, very very good. देखा भाभी जी, देखा आपने? तिवारी जी मैं बात कर रही हूँ ना, इट्स ओके। मिस्टर महिला प्लीज कंटिन्यू। मैं प्लेयर्स को हमेशा कहता हूँ कि बॉल पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कि बॉलर के हाथ से जैसे ही बॉल छूटता है तो बैट्समैन को उसके हाथ के मूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए कि बॉल किस दिशा में जा रहा है। बैट्समैन बॉलर, वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। बॉल के टप्पा खाने से पहले दो कदम आगे बढ़कर हाफ बॉडी से बॉल को उठाकर बाउंड्री पार करा देना चाहिए, क्योंकि बॉल जब टप्पा खाएगी तो स्पिन होकर किस दिशा में जाएगी पता नहीं चलता ना, तो आपके बोल्ड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे मिस्टर महिला, आप कौन सी गेम के कोच हैं? क्रिकेट। चलते हैं भाभी, नमस्ते। चलिए महिला। अरे भाई अभी बहुत सारे टिप्स बाकी हैं, बताना है मैडम को। अरे टिप्स गए गुहिया के खेत में, चलिए आइए। चलिए महिला। अरे मेरी बात तो सुनिए। चलिए एक मिनट सुनिए। तिवारी जी अजीब आदमी है, थोड़े हिले हुए हैं क्या? अरे हॉकी के गेम के लिए क्रिकेट का कोच लिया है भाभी जी। अरे हाँ तिवारी जी, मास्टर जी, प्लीज प्लीज बैठिए ना। जी जी तिवारी जी, शख्स कौन है? भाभी जी वो क्या है कि भभूति जी स्कूल में पढ़ा करते थे ना, जिस स्कूल का नाम उन्होंने अपने हॉकी खेल के माध्यम से रोशन किया था, बुलंदियों तक पहुंचाया था, तो ये उस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके थे। अरे अरे अरे, आप उसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं? वेलकम वेलकम। जी हूँ तो मैं उसी स्कूल का प्रिंसिपल, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरा ऐसा कौन सा स्टूडेंट था जो हॉकी में मास्टर था। जी कोई बात नहीं, आप देख के तो पहचान लेंगे ना सर। हाँ कोशिश कर लेते। तो बस अभी बुलाए देते हैं। इसमें क्या, भभूति जी, भभूति जी, अरे कामर कहाँ है?
घर पे नहीं है क्या? नहीं नहीं, अभी ही किचन में ही तो था, मैं आवाज लगाती हूँ। कोच, कोच। अबे कोच। अरे पता नहीं, शायद कहीं बाहर चले गए होंगे। जी चलिए, कोई बात नहीं, सब फोटो देख के तो पहचान लेंगे ना। हाँ दिखा दीजिए, शायद पहचान में आ जाए। फोटो कहाँ? वो देखिए, वो रही फोटो, वो वाली देखिए, इसमें कितना हैंडसम लग रहा है ये। जी नहीं नहीं नहीं, पहचान में नहीं आ रहे। थोड़ा गौर से देखिए सर, पहचान जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पहचाना नहीं जा रहा। अरे देखिए ना जरा, ठीक से देखिए। तुम में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? जब ये बोल रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इनसे जबरदस्ती क्यों पहचानवा रहे हो? हमको देर हो रहा है, अब हम चलते हैं। चलते हैं भाभी जी। अरे नहीं नहीं, आप चाय वाय तो लेके जाइए। नहीं जी, चाय पानी फिर कभी। अच्छा। मैं आऊंगा दोबारा अपने होनहार स्टूडेंट से मिलने, तब तक के लिए तो इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्ते भाभी जी। आइए नेत्रपाल जी, आइए आइए। खा मखा रहा है।